आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निपथ योजना के संबंध में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शनिवार को अति आवश्यक बैठक हुई संपन्न। सुझाव कमियों के संबंध में की गई चर्चा। पूर्व सैनिकों ने कहा, बच्चों को इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देने की है जरूरत। पानीपुरी बेचने वाले कन्हैया निषाद के पुत्र आकाश निषाद ने 10वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में 93.8% अंक पाकर जिले में हुए अव्वल। इंजीनियरिंग करके आईएएस बनना चाहते हैं आकाश। अग्निवीर योजना के विरोध में कैंट पुलिस ने रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर पीएसी जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च। एसपी सिटी ने कहा, फ्लैग मार्च के जरिए शांति व्यवस्था किया जा रहा है, कायम स्थिति है सामान्य। तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, तहसील समाधान दिवस में कुल आए 40 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम हुए जारी। जिले में हाई स्कूल में 88.60% तो इंटरमीडिएट में 84.75% परीक्षार्थी हुए पास। आकाश निषाद 93.83% अंक पाकर बने जिले के टॉपर। मान्या सिंह 93.50% अंक हासिल कर रही दूसरे स्थान पर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शनिवार को आईटीएमएस कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा, बाएं लेन खाली रखने के लिए बार बार अनाउंस करके लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कूटरचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करने वाले अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SLWM में चयनित 308 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों की बैठक हुई संपन्न। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए ग्राम प्रधानों को दिए निर्देश। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई को 10 यातायात बैरियर किया भेंट। कहा, आमजन में यातायात के नियमों एवं कोरोना के प्रति तत्परता और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भेंट किए गए हैं यातायात बैरियर।